कार्तिक माह का महत्व। कार्तिक हिंदी पांचांग का आठवां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु चार माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में मंदिरों में दीपदान किया जाता है, साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का यह सार है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक माह में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में भी निकलता है। कार्तिक मास में तुलसी का महत्व। आइए जानते हैं अब कार्तिक माह में तुलसी जी का क्या महत्व है। कार्तिक में तुलसी जी की पूजा की जाती है और तुलसी जी के पत्ते भी खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी जी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे को दान दिया जाता है। कार्तिक मास में दान का महत्व। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान, गौ दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक माह में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। अब आइए जानते हैं कार्तिक माह में भजन। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं और घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण पाठ, गीता पाठ, भगवद गीता पाठ आदि का भी बहुत महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है, इसलिए गुजरात में कार्तिक माह में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक पूजा विधि नियम। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में पूजा विधि के क्या नियम हैं। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे माह मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज,
लहसुन बैंगन आदि का भी सेवन से निषेध मानते हैं, मतलब बैंगन आदि को भी त्याग देते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तुलसी एवं सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है, काम वासना पर विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम कार्तिक कथा के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।